नमस्कार दोस्तों, अग्रवाल कंसल्टेंट के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा ही कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं और आज हम बात कर रहे हैं PMEGP लोन की, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयड जनरेशन लोन। इसको अगर हिंदी में समझें तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसके अंतर्गत बहुत ही महत्वाकांक्षी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन व्यवसायों को, उन एंटरप्रेनर्स को प्रोत्साहित करने की कोशिश की है कि जो छोटे छोटे लोन से या छोटी छोटी मदद से अपने व्यापार को, अपने उद्योग धंधों को आगे की ओर ले जा सकते हैं। तो आज मैं PMEGP की बात करते हुए सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यह योजना, यह कार्यक्रम में आप जो लोन ले सकते हैं वो मैक्सिमम अगर आपका सर्विस सेक्टर है तो 10 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं, और अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसमें किसी चीज़ का उत्पादन होता है तो उस स्थिति में आप अधिकतम 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इस लोन को प्राप्त करने के लिए हमें करना क्या होगा और इस लोन की क्या विशेषता है? सबसे पहली विशेषता है कि यह लोन केवल ऐसा नहीं है कि हमने बैंक से लिया और हमें रीपे करना है इंटरेस्ट के साथ। इस बैंक में आपको प्रोत्साहन देने के लिए, इस लोन में आपको प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडीज भी दी गई हैं, यानी आपको अनुदान की सहायता दी गई है। सबसे बड़ी इसके लिए आपको विशेषता है कि आप अगर 8th क्लास तक आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आप 8वीं पास हैं, तो आपको ये 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है सर्विस सेक्टर के लिए, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। लेकिन अगर आपकी योग्यता 8वीं क्लास से ऊपर है, 10वीं है, 12th है, या ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आपको यह लोन सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख रुपए का और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 25 लाख रुपए तक का मिल सकता है। अब बात आती है कि लोन जो मिलेगा उसमें बेनिफिशियरी यानी कि लोन लेने वाले का हिस्सा कितना होगा, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, लोन जो सेंक्शन होता है वो आपकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 90 से 95% तक होता है। उसमें कुछ विशेष क्राइटेरियाज हैं, मैं अभी आपको उसको डिफाइन करता हूं। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो 11 से 12% होती है। साथ में इसे हमें 3 से 7 साल के अंदर लौटाना होता है। वो रीपेमेंट का हम शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं बैंक के साथ, और इसके लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। 18 साल से ऊपर वालों के लिए ही लोन ये एप्लीकेबल है। अब बात आती है कि हितग्राही का योगदान यानी कि बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन कितना होगा। अगर मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए का लोन लेना है, तो जनरल कैटेगरी, अगर आप जनरल कैटेगरी के हितग्राही हैं, तो आपको 10% अपना योगदान देना है, अर्थात 1 लाख रुपये अपनी ओर से लगाना है, 9 लाख रुपये का लोन हो जाएगा। लेकिन यदि आप SC ST, OBC, वुमेन कैटेगरी, या एक्स आर्मी पर्सन, या फिजिकली चैलेंज, या माइनॉरिटीज, अगर इस किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आपको यह 5% का योगदान देना है, अर्थात मान लीजिए 10 लाख रुपए का लोन है तो आपको 50,000 रुपए ही देने हैं पहले। इसके बाद आती है सब्सिडी। सब्सिडी में भी कैटेगरी है। कैटेगरी ये है कि यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं, अर्बन पॉपुलेशन को बिलोंग करते हैं, तो आपको ये जनरल कैटेगरी में सब्सिडी मिलेगी 15%। और यदि आप स्पेशल कैटेगरी से, अर्थात SC ST, OBC, वुमेन, माइनॉरिटीज, ये मैं कैटेगरीज आपको बता चुका हूँ, इसे मैं स्पेशल कैटेगरी से संबोधित करूंगा आगे भी, तो स्पेशल कैटेगरी को ये 25% सब्सिडी मिलेगी। लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, रूरल क्षेत्र से हैं, तो आप यदि जनरल कैटेगरी के हैं तो आपकी सब्सिडी हो जाती है 25%। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में ही स्पेशल कैटेगरी से हैं यानी कि रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आपकी सब्सिडी हो जाती है 35%। तो इस प्रकार आप इस लोन में, लोन के साथ साथ सब्सिडी यानी कि सरकार की सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है सब्सिडी किस फॉर्म में मिलेगी। तो सब्सिडी का फॉर्म ये है कि जैसे ही आपका लोन डिसबर्जल होता है या सब्सिडी सेंक्शन हो जाती है, उसके 24 घंटे के अंदर, सब्सिडी सेंक्शन होने के 24 घंटे के अंदर आपका जो सब्सिडी अमाउंट है वो आपके बैंक खाते में आता है, और उसका एक TDR यानी कि टर्म डिपॉजिट कर दिया जाता है, एक फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का लोन कराया और आपने उसमें 15% की
सब्सिडी अवेल की, मान लीजिए आप शहरी क्षेत्र से जनरल कैटेगरी के हितग्राही हैं, तो 1,50,000 रुपये आपकी सब्सिडी बनी और 1,50,000 रुपये का एक TDR बन के, यानी कि फिक्स डिपॉजिट बन के आपके अकाउंट में सेटल हो गया। लेकिन उस फिक्स डिपॉजिट पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वो 3 साल का एक फिक्स डिपॉजिट होता है। लेकिन ये भी सही है कि जो लोन अमाउंट है उसमें से वो अमाउंट लेस होगा और उस पर आपका इंटरेस्ट लगेगा। मतलब 9 लाख का आपका लोन है तो 1,50,000 उसमें से कम हो जाएगा और 7,50,000 पर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। तो ये बात बहुत क्लैरिटी से समझ लेनी चाहिए। TDR यानी कि जो टर्म डिपॉजिट है, यानी जो सब्सिडी का पैसा है, वो 3 साल के लिए फिक्स होता है। अब बात ये आती है कि ये लोन किन कैटेगरीज के लिए मिलता है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा, आप KVIC की साइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। 344 कैटेगरीज हैं जिसके लिए आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका सर्विस सेक्टर में हेयर सलून भी हो सकता है, छोटी कोई गैराज भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपकी प्लास्टिक इंडस्ट्री भी हो सकती है या कोई छोटी चीजें बनाने की हो सकती है। लेकिन यहाँ मैं जैसे एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे डेयरी फार्मिंग है, आप चाहते हैं अपनी डेयरी बनाना छोटी सी और उसके लिए इस लोन में अप्लाई करेंगे, तो ये नहीं होगा। डेयरी के लिए आपको अलग से नाबार्ड में जाना पड़ेगा, वहां से आपको सहायता मिलेगी या लोन मिलेगा। लेकिन ये जो योजना है वो सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के 344 कैटेगरीज के लिए इम्प्लीमेंट होती है। इसके लिए नोडल एजेंसीज, आप KVICs में जा सकते हैं, DICs में जा सकते हैं। लेकिन मुख्य बात यही है कि आपको संपर्क करना है सबसे पहले विभागों में कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, ये एलिजिबल है या नहीं। उसके बाद आपको ऐसी बैंक ढूंढनी है जो PMEGP में लोन दे रही है। जरूरी नहीं है हर बैंक PMEGP में लोन सैंक्शन कर रही हो, तो आपको उस बैंक को चिन्हित करना है। उसके बाद जब आपका प्रोजेक्ट उसमें एलिजिबल है तो आपको उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है, पेपर्स लगाने हैं। पेपर्स में जनरल KYC है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। इसके अतिरिक्त इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द EDP ट्रेनिंग। EDP ट्रेनिंग आपको अभी EDP ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट या तो लोन सैंक्शन होने के समय आप लगा सकते हैं, या अमाउंट जो आपको डिसबर्स होगा लोन का प्राप्त होगा उससे पहले पहले 100% EDP ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट देना ही होगा, जो आपको निःशुल्क प्राप्त हो सकती है EDP ट्रेनिंग। तो आप इन सब बातों को ध्यान रख के इस लोन को अवेल कर सकते हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपका ध्यान चाहूंगा, यदि आप अपनी एग्जिस्टिंग यूनिट का, आप अपने वर्तमान धंधे का, व्यापार का या उद्योग धंधे का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं, उस पर भी यह योजना लागू होती है। और इस कार्यक्रम में आप एक्सपेंशन पर, अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं तो 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, और अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है तो 1 करोड़ रुपए तक का भी लोन ले सकते हैं PMEGP में। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नई यूनिट के साथ साथ पुरानी यूनिट के एक्सपेंशन के लिए भी PMEGP लोन अप्लाई होता है। ये मैंने एक PMEGP का खाका आपके सामने खींचने की कोशिश की है। इसके संबंध में और अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और हमारे चैनल को और नई जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।